नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर के चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट तक आज हम लोग आ गए हैं। और उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों ने जितने भी वीडियो देखे होंगे सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में, वो सारे आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग CISM रिव्यू मैनुअल 15th एडिशन, जो इसाका की रिकमेंडेड बुक है, वही हम लोग फॉलो करते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि ये बुक में ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का, ये बेसिकली कहना क्या चाहते हैं। सो ओवरव्यू में बेसिकली सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर में वो ये चाहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर है वो रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझे। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जैसे हम लोग को रिस्क असेसमेंट करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है, रिस्क मिटिगेट करना है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, हमारे एग्जिस्टिंग पॉलिसीज प्रोसीजर क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमारे हम लोग के एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या हैं, ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम लोग को समझने होते हैं। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर को ना ही केवल वो समझना है बल्कि उसको अप्लाई भी करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अब अप्लाई कहाँ पे करना है? ऑब्वियस बात है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो करना नहीं होगा, प्रोक्योरमेंट में भी नहीं करेगा। उसके लिए एक डिपार्टमेंट रहता है या एक प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम में रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, ये उसको अप्लाई करना है। बस इतनी सी बात इन्होंने ओवरव्यू में बताई है। अगला टॉपिक आता है डोमेन डेफिनेशन। अब डोमेन डेफिनेशन में दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ आपको केवल एक कीवर्ड पे ध्यान देना है जो कि है रिस्क एपिटाइट। अब रिस्क एपिटाइट को समझने के लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एक फ्रूट सेलर है जो पर डे करीब 5 लाख रुपए का फ्रूट एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसपोर्ट करता है और उसका एक एक्स अमाउंट का प्रॉफिट होता है। अब ये जो प्रॉफिट है ये बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है या उस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव है जो उसको मीट करना है ऑन अ डेली बेसिस। अब ऑब्वियस बात है कि अगर वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है अपने फ्रूट सप्लाईज को तो कुछ तो उसमें डैमेज होगा, कुछ वेयर एंड टेयर होगा, कुछ हैंडलिंग में इश्यूज होंगे। सो उसने कहा कि ठीक है भाई, 5 लाख रुपये में अगर करीब 50,000 रुपये तक कभी अगर घाटा हो जाता है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। मीन्स ये उसका एक्सेप्टेबल लेवल है, मतलब इतना नुकसान होने के बाद भी उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो गोल है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो मीट हो रहा है। बस यही एक धर्म होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर का कि कोई भी रिस्क है या रिस्क आने वाला हो, मतलब एग्जिस्टिंग या अपकमिंग, यही काम है एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर का कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग रिस्क है या कोई भी रिस्क जो उसने प्रिडिक्ट किया है वो सारा ही एक एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर होना चाहिए, सो दैट उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स और ऑब्जेक्टिव मीट हो पाए। बस यही एक छोटी सी डेफिनेशन है। और दोस्तों बिलीव करिए, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको इसी कंसेप्ट पे मिलेंगे। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आप इस चैप्टर को पढ़ के क्या सीखेंगे या एक CISM कैंडिडेट से क्या उम्मीद रखता है ये चैप्टर? बेसिकली CISM कैंडिडेट से ये उम्मीद की जाती है कि वो सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट को समझे। समझे कैसे? वो इसको एक शस्त्र की तरह या एक टूल की तरह यूज़ करे। और उस टूल से वो क्या करेगा? वो टूल से वो फुलफिल करेगा बिजनेस नीड। मान लीजिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो बिजनेस चाहती है कि ये कभी भी डाउन ना हो या स्लो भी ना हो। अब इसमें बहुत से अटैक्स हो सकते हैं इस वेबसाइट पे, डीडॉस अटैक हो सकता है या वेबसाइट के कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज भी हो सकती हैं और कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज भी हो सकती हैं। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर को ये चाहिए कि वो इस बिजनेस नीड को फुलफिल करे कि ये वेबसाइट कभी भी एटलीस्ट सिक्योरिटी की वजह से कभी भी डाउन ना हो या स्लो ना हो। तो उसके लिए वो देखेगा कि क्या क्या कंपनसेटरी कंट्रोल्स हैं या क्या क्या प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव एक्शंस हम लोग को लेने चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इस ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस की नीड को फुलफिल करने के लिए। प्लस जैसा कि मैंने पहले बताया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम भी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं होता है तो एस्टेब्लिश करना पड़ता है। ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को भी सपोर्ट करना एक CISM कैंडिडेट का
एक एक्सपेक्टेशन है कि वो वंस ही इज बिकम CISM देन उसको एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ये एक एक्सपेक्टेशन है एज ए वन ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस चैप्टर और फ्रॉम द ईसा का। सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो रिस्क को आइडेंटिफाई करे, ठीक है। देर आर सो मेनी मेथड जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करे, रिस्क को एसेस करे, रिस्क को रैंक करे और इसके बेसिस पे वो ये डिसाइड करे कि अब भाई इस रिस्क को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू डू एनी एक्शन अगेंस्ट सर्टेन रिस्क, ठीक है। इन सबको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बट अभी मैं आपको बहुत ही हाई लेवल में बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। तो ये सब चीज़ें आप सीखने वाले हैं। प्लस अभी तो हो गया जो रिस्क अभी नए हैं, बट एग्जिस्टिंग रिस्क का आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि एग्जिस्टिंग जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं उनका कितना इफेक्टिवनेस है और कितना अप्रोप्रिएट है। मान लीजिए आपका आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा सेंटर है वहाँ पे आपने किसी के जाने के लिए आपने केवल अगर देखना है कि जेन्युइन बंदा ही जाए, एक ऑथोराइज पर्सन का ही इंट्री हो, तो आपने क्या किया कि वहाँ पे दो गार्ड बैठा दिए। वो गार्ड अपना एक गार्ड रोकता है, दूसरा गार्ड आईडी चेक करता है, आपका चेकिंग वेकिंग करता है और फिर आपको जाने देता है। बट यहाँ पे भी मेल फंक्शन हो सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकती है और कभी कभी फेक आईडी के बेसिस पे भी लोग इंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने असेसमेंट किया, आपने देखा कितना इफेक्टिव है, आपने उसका अप्रोप्रिएटनेस भी चेक किया और फिर आपने रिकमेंड किया कि भाई यहाँ पे एक बायोमेट्रिक भी लगना चाहिए सो दैट पर्सन कैन यूज़ हिज थंबप्रिंट और उसके बेसिस पे उसका आइडेंटिटी कंफर्म हो जाएगी, ऑथेंटिकेट हो जाएगा एंड देन द पर्सन कैन गो। उसके बाद दरवाजा खुलेगा ऑटोमेटिक और फिर वो अंदर जाएगा, ठीक है। प्लस आपने ये भी रिकमेंड किया कि भाई यहाँ पे एक CCTV कैमरा भी होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपने असेसमेंट करने के बाद आपने कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल्स का आपने राय दिया, आपने सजेशन दिया। तो ये सब भी क्या क्या और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं असेसमेंट के अप्रोप्रिएटनेस के रिस्पेक्ट में, ये सारी चीज़ें आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। प्लस टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सब के अलावा विच इज़ रिपोर्टिंग। अब आपको रिपोर्टिंग भी करना है कि कितना इफेक्टिव आपके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मेजर्स हैं, वो क्यों करना है, किसको करना है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इससे समझने में और इसको आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको एक पढ़ने में मतलब यू नो जो एक्साइटमेंट रहता है वो डेवलप होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए लर्निंग ऑब्जेक्टिव या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा वो एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अगर एग्ज़ाम की बात करते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। ओ लगता है मैंने एग्ज़ाम वाली स्लाइड लगाई नहीं। ओके, मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली देखिए एग्ज़ाम में आपको पता ही होगा 150 क्वेश्चंस आते हैं और उन 150 क्वेश्चंस में करीब 30% क्वेश्चंस CISM के इसी चैप्टर से आते हैं। मतलब लगभग 45% क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से मिलते हैं। बाकी चैप्टर्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे बट कंपेरेटिवली 27-29 ऐसे परसेंटेज मिलते हैं, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से मिलेंगे। एग्ज़ाम के एंगल से तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, बट आपको वैसे ही बताऊँ अगर आप CISM की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और अगर आप इन्फोसेक डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो भी ये इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि आपको पढ़ने में और समझने में बहुत मज़ा आएगा। और एटलीस्ट इन चारों चैप्टर में से या चारों डोमेन में से ये चैप्टर मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर इस्टेब्लिश करने में आपको बहुत मदद करेगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आई वुड से। और एग्ज़ाम के एंगल से तो जैसे मैंने बताया करीब 45 क्वेश्चन एक बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, अच्छा खासा अमाउंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसी चैप्टर से आते हैं जैसे मैंने पहले बताया। अब ये तो रही ओवरव्यू डेफिनेशंस एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव और एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आता है इस रिस्क इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट को या ये काम को करने के लिए आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं और उन टास्क को करने के लिए आपके पास कुछ नॉलेज स्टेटमेंट्स होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं आपके पास कुछ टास्क दिए जाएंगे और उस टास्क को फिनिश करने के लिए आपके पास कुछ प्रोसीजर्स होंगे, कुछ प्रोसेस होंगे, कुछ स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे और आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो आपके पास जब तक वो नॉलेज नहीं होगी आप वो टास्क नहीं कर पाएंगे। एक टास्क को ख़त्म करने के लिए जो नॉलेज स्टेटमेंट होंगे वो रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ
इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 9 टास्क हैं और करीब 19 नॉलेज स्टेटमेंट्स हैं। ये टास्क मतलब आपको ये टास्क करने हैं अगर आपको एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर या कंसल्टेंट का रोल प्ले करना है, और उन टास्क को करना कैसे वो हमारा नॉलेज स्टेटमेंट में बताता है। अब एक टास्क को करने में जैसे मैंने पहले बताया कई नॉलेज स्टेटमेंट हो सकते हैं और ये रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक वेजिटेबल्स लेने के लिए मार्केट में जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले एक मास्क पहनेंगे, फिर बाइक की चाबी नहीं उठाएंगे, फिर बाइक चलाएंगे, फिर मार्केट जाएंगे और वेजिटेबल्स लेंगे। बट अगर आपको फ्रूट्स लेना है तो भी आप क्या करेंगे? मास्क लगाएंगे, बाइक की चाबी उठाएंगे, बाइक स्टार्ट करेंगे, फिर वेजिटेबल मार्केट जाएंगे या फ्रूट्स मार्केट जाएंगे, वहाँ से फ्रूट्स लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा आपने कुछ नॉलेज स्टेटमेंट या कुछ स्टेप्स आपने दोनों ही टास्क में कॉमन किए। जैसे आपने बाइक का चाबी उठाया, आपने मास्क लगाया, आप वहाँ तक गए। तो उसके बाद आपका एक टास्क ऐसा था या एक नॉलेज स्टेटमेंट या आपका एक स्टेप ऐसा था जिसने बाकी सबको डिफरेंशिएट किया, वैसे ही यहाँ पे भी जो आपके टास्क हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट नॉलेज स्टेटमेंट हो सकते हैं और उसमें रिपीटिशन भी हो सकती है। कई बार तो सारे के सारे ही स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं जो आपने पहले कभी किसी टास्क में किए हों। सो वो मत समझेगा कि ऐसा इसमें क्यों रिपीटिशन हो रहा है। बेसिकली वो टास्क स्टेटमेंट के हिसाब से नॉलेज स्टेटमेंट हमारे सेट किए गए। हम लोग ये सारे टास्क स्टेटमेंट एक एक करके समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो नॉलेज स्टेटमेंट है वो भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जो नॉलेज स्टेटमेंट मैंने एक बार बता दिया वो आगे नेक्स्ट स्क्रीन में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैं रिपीट करने से मैं बचूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने जो ब्लर किया हुआ है ये टास्क नंबर 2 में, इसका मतलब ये है कि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए 2.1 यहाँ पे है ना, लेकिन ये चीज़ जब मैं टास्क नंबर 1 बताऊंगा तो उसमें देखिए ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला टास्क आता है जो कि है बेसिकली, देखिए आपको कभी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या कोई भी काम करेंगे आपको पूछना है भाई सिक्योरिटी करनी किस चीज़ की है। मतलब यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि एसेट क्या है, आपको सबसे पहले एसेट के बारे में पता होना चाहिए और फिर उस एसेट को आप क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई मतलब आप देखेंगे कि भाई उस एसेट को हम किस लेवल की सिक्योरिटी देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में जैसे आप कहीं से कोई एक ट्रॉफी जीत के आए, अब वो आप चाहेंगे कि वो भी आपके लिए एक एसेट है, वो आप अपने जहाँ पे लिविंग रूम है आप वहाँ पे रखेंगे। फिर आपके पास मान लीजिए कुछ कीमती सामान है जैसे लैपटॉप है, घड़ी है, तो वो आप ड्राइंग रूम में या अपने लिविंग रूम में नहीं रखेंगे, वो अपने अंदर किसी कमरे में रखेंगे या बेडरूम में रखेंगे, अंदर की जहाँ पे आप सोते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपये या 5 लाख रुपये या कोई गोल्ड ज्वेलरी है, तो वो आप कहाँ रखेंगे? वो आप प्रेफर करेंगे बैंक के लॉकर में रखने के लिए। सो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास जैसा जैसा एसेट है, जैसा जैसा उसकी वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी सिक्योरिटी रखी है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एसेट है आप उसको बिजनेस वैल्यू के प्रोपोर्शन में आप उसको क्लासिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक सर्वर है जहाँ पे आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप किसी भी केस में नहीं चाहेंगे कि वो सर्वर मेरा 5 मिनट के लिए भी बंद हो, क्योंकि अगर 5 मिनट के लिए बंद हुआ तो आपके उतनी देर का पेमेंट आपका ब्लॉक हो सकता है। सो बिजनेस के लिए यहाँ पे हाई वैल्यू है, तो आप उस सर्वर का आप बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस करेंगे, आप उसका बैकअप प्लान रखेंगे, डिजास्टर रिकवरी प्लान रखेंगे और उसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी चेक करते रहेंगे, उसको आप हाईली सिक्योर रखेंगे और किसी भी तरह का कंप्लायंस इशू नहीं होना चाहिए। मतलब आप उसके आपके लिए वो हाई वैल्यू एसेट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करेंगे। सिमिलरली आपका कोई एक ऐसा सर्वर है जहाँ पे आप केवल डेटा डंप कर रहे हैं और उस वो डेटा भी ऐसा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आप उसको डंप कर रहे हैं वहाँ पे। सो उसके लिए ठीक है, आपने इनफैक्ट वो नेटवर्क पे भी नहीं है, तो आप एक सिंपल सा उसको एक किसी स्टोरेज में रखेंगे जहाँ पे थोड़ी बहुत सिक्योरिटी रहेगी, बट आपके लिए बहुत हाई बिजनेस वैल्यू नहीं है। सो लाइक दैट आप उसको एसेट क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहला टास्क आपका ये है। कैसे करेंगे वो हम लोग नॉलेज स्टेटमेंट देखते हैं। सो टास्क स्टेटमेंट क्या होगा? एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ प्रोसेस फॉर इन्फॉर्मेशन एसेट क्लासिफिकेशन। क्यों? टू इंश्योर दैट मीजर्स आर टेकन टू प्रोटेक्ट एसेट आर प्रोपोर्शनल टू देयर बिजनेस वैल्यू। बिजनेस वैल्यू के प्रोपोर्शन में एसेट का प्रोटेक्शन है कि नहीं, ये आपका पहला टास्क है, आपको पहले ये करना है। ठीक है, सो टास्क 2.1 क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नॉलेज स्टेटमेंट 2.1। अब 2.1 में देखिए सबसे पहले ये क्या कहता है कि
आपको क्लासिफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन एसेट क्लासिफिकेशन मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि किस किसी एसेट की कितनी वैल्यू है। वैल्यू का मतलब, अगर वो एसेट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव किस लेवल तक मीट नहीं करेगा, ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन एसेट क्लासिफिकेशन मॉडल आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट टास्क इज नॉलेज ऑफ मेथड टू एस्टैब्लिश एन इंफॉर्मेशन एसेट क्लासिफिकेशन मॉडल कंसिस्टिंग विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंफॉर्मेशन एसेट मॉडल आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर है तो मेंटेन करना है, नहीं है तो एस्टैब्लिश करना है। सेकंड नॉलेज स्टेटमेंट आता है कि जहां पे आपको ओनरशिप चाहिए। अब भाई आपके पास एक सर्वर है, उस सर्वर में एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो आपको पहली चीज़ तो पता चलना चाहिए कि इस एसेट, इस सर्वर का ओनर कौन है, इसका डेटा जो है उसका डेटा कस्टोडियन कौन है, इस डेटा का ओनरशिप कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, अकाउंटेबल कौन है, इसका जो एप्लीकेशन है उसका डेवलपर कौन है, इसका मेंटेन कौन करता है, इसका ऑपरेशंस कौन देखता है। तो लाइक दैट आपको इसके ओनरशिप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। सो नॉलेज ऑफ कंसिडरेशन फॉर असाइनिंग ओनरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट एंड रिस्क, और उसके प्रोपोर्शन में आपको रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर ये एप्लीकेशन डाउन होती है तो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव या बिजनेस के वैल्यू पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये अब हमारा जो टास्क 2.1 था उसी के रिस्पेक्ट में ये सेकेंड नॉलेज स्टेटमेंट है। तीसरा आता है कि आपको इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना है, मतलब इन केस अगर ये एप्लीकेशन एक घंटे के लिए बंद हो जाती है या डिस्ट्रैक्शन हो जाता है किसी भी तरीके का, मान लीजिए बाढ़ आ गई, आपका वो साइट ही डाउन होगी पूरी एक घंटे के लिए, आपके पास क्या बैकअप प्लान्स रहेंगे। अगर वो 24 घंटे के लिए बंद हो जाए तो आपके पास क्या बैकअप प्लान रहेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद करने चाहिए, हॉट साइट, वार्म साइट, कोल्ड साइट, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट तब तक अगर आपको आप चाहें तो थोड़ा सर्च करके देखिएगा, बुक में भी दिया हुआ है, ये फोर्थ चैप्टर में है, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट भी आता है। बेसिकली आपको यहाँ पे आप इम्पैक्ट एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉलेज ऑफ मेथड टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट जैसे मैंने बताया ये इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल मतलब मान लीजिए सर्वर रूम में कोई बंदा गया, जैसे ये भी बहुत ही यू नो कॉमन केसेस होते हैं कि सर्वर रूम में सब कुछ तो सब हाई सिक्योरिटी है, बट वहाँ पे किसी ने पावर स्विच के पास हल्का सा हाथ लग गया, स्विच ही ऑफ हो गया। अब स्विच ऑफ हो गया, आपका सर्वर बंद हो गया, आप भयंकर सिक्योरिटी रखिए, बट अगर एक हाथ लग गया स्विच ऑफ हो गया तो काम ख़त्म। सो इंटरनल इवेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं। सो वो सारे ही आपको आइडेंटिफाई करने, इवेल्युएट करने और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है बिजनेस पे, ये आपको समझना पड़ेगा। सो और उसकी नॉलेज आपको मिलेगी पॉइंट नंबर 3 में, विच इज़ नॉलेज ऑफ मेथड्स टू आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट ऑन इंफॉर्मेशन एसेट ऑन एंड द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एसेट वैल्यूएशन, मतलब एसेट का वैल्यू कैसे आप निकालेंगे। अब एसेट का वैल्यू मतलब जैसे मान लीजिए सर्वर है जो 1,00,000 रुपये का मान लिया आपने खरीदा है, बट इसका मतलब नहीं है कि वो 1,00,000 रुपये का है, उस सर्वर पे जो काम चल रहा है वो मिलियंस का हो सकता है, राइट। सो आपको एसेट का वैल्यूएशन की बहुत सारी मेथडोलॉजीज होती हैं, वो आपको उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ, अच्छा यहाँ पे जो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि देर वॉज सर्टेन थ्रेट या कुछ वर्निबिलिटीज है, कुछ वीकनेसेस है, वो कितनी टाइमली है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको पता है कि मेरा जहाँ पे डेटा सेंटर है वो एक बाढ़ग्रस्त एरिया में है जहाँ पे बाढ़ पर्टिकुलर मंथ में बाढ़ आने के चांसेस होते ही है, बट वो आपको जब तक इंफॉर्मेशन मिल रही है वहाँ पे बाढ़ ऑलरेडी आ चुकी है, या किसी तरीके का साइबर अटैक होने वाला है, आपको ये तब पता चला है जब साइबर अटैक ऑलरेडी हो चुका है। सो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है रिगार्डिंग किसी थ्रेट या वर्नेबिलिटीज की, वो कितनी टाइमली आ रही है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आपके सोर्सेज आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्लस कितना रिलायबल है, कितना जेन्युइन है, आप उस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द एसेट क्लासिफिकेशन में। और तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, नॉलेज ऑफ रिप्यूटेबल रिलायबल एंड टाइमली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमर्जिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड वर्नेबिलिटीज। और लास्ट में आता है कि आपको रिस्क का रीअसेसमेंट करना पड़ता है अगर कोई इवेंट होता है। मान लीजिए एक सर्वर पे कोई अटैक हुआ,
अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इस सर्वर पे अटैक क्यों हुआ, या कोई वेबसाइट अगर आपकी बंद हुई तो क्यों बंद हुई, किसी ने डाउन किया या वॉट एवर द रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उस केस में आपको रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। और ये रीअसेसमेंट आपको इस लेवल तक करना पड़ेगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में भी आपको चेंज करना पड़ सकता है, बिकॉज आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग थिंग्स विल बी फाइन, बट आप कॉम्प्रोमाइज हुए कहीं ना कहीं, आपका वल्नरेबिलिटी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो गया। सो उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम के जो भी एलिमेंट्स थे उसको अभी रीअसेसमेंट करना पड़ेगा और उसके चेंजेस भी करना पड़ेगा। सो ये आपका एक अगला नॉलेज स्टेटमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। सो दिस विल बी लाइक नॉलेज ऑफ इवेंट्स दैट मे रिक्वायर रिस्क रीअसेसमेंट एंड चेंजेस टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम एलिमेंट्स। ठीक है, सो ये हो जाता है हमारा टास्क नंबर 1 और उसके करीब 6 नॉलेज स्टेटमेंट्स। अब हम लोग अगला टास्क देखते हैं और इसमें 3 नॉलेज स्टेटमेंट है, और जिसमें से पहला जो नॉलेज स्टेटमेंट है इन्फॉर्मेशन एसेट क्लासिफिकेशन मॉडल, ये हम लोग ऑलरेडी पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं, ये देखिए 2.1। ठीक है, तो 2.1 हम लोग अब रिपीट नहीं करेंगे, हम लोग केवल 2.4 2.6 पढ़ेंगे, बट उसके पहले एक बार 2.2 पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टास्क है जिसमें बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है लीगल या रेगुलेटरी एंगल से, लीगल और रेगुलेटरी प्रोस्पेक्ट व्यू से आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि नॉन कंप्लायंस में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है लीगल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशनल और एनी अदर एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट टू मैनेज द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। और ये कहाँ तक मैनेज करना है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेप्टेबल लेवल तक। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिस्क कभी भी पूरा ख़त्म करने का कोशिश नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा सबसे पहले कोशिश करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाए। हाँ, अगर हम लोग रिस्क ट्रीटमेंट मेथड जब पढ़ेंगे उसमें एक तरीका होता है कि हम लोग रिस्क पूरी तरीके से ख़त्म भी कर सकते हैं, बट वो हम लोग जब वहाँ पर पहुँचेंगे तब करेंगे। ठीक है, बट अभी तक आप ये समझिए, या मेजरली जब कभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपका रोल बीइंग ए इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट ये है कि रिस्क को आप एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर ही रखना है। ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, सो इस टास्क में आपको लीगल रेगुलेटरी या नॉन कंप्लायंस कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है या कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी आ रही है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको लाना है उस ऑर्गेनाइजेशन की एक्सेप्टेबल लेवल तक। ये आपका टास्क है। अब इसको करना कैसे, देखिए जैसे मैंने पहले बताया 2.1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हम लोग 2.4 पे आते हैं। सो बेसिकली इसमें आपको मॉनिटर करना है, देखिए पहला तो आपको एसेट क्लासिफिकेशन मॉडल के बारे में पता होना चाहिए जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको उन फैक्टर्स को मॉनिटर करना है जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन में NCI, वो चाहे इंटरनल हो, मतलब आपका सिस्टम पैचिंग नहीं हो रही प्रॉपर, बहुत सारी वर्नेबिलिटीज़ हैं, आपके सर्वर्स आपके सॉफ्टवेयर्स अपडेटेड नहीं हैं, वर्नेबल्स हैं, चाहे वो आपका एडोब हो, चाहे जिस एप्लीकेशन पे आपने डेवलप किया है सॉफ्टवेयर, ठीक है, या आपकी थर्ड पार्टी का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंसी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंटिन्यूस मॉनिटर करना है एज ए पार्ट ऑफ ए इंटरनल रिस्क फैक्टर। प्लस एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर की बात करें तो बहुत सारे लीगल या रेगुलेटरी के गाइडलाइन होती हैं, उनके कुछ कंप्लायंसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं और एटलीस्ट उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने होते हैं। सो आपको उन सब की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप ये टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आता है 2.6, जिसमें जो मैंने अभी बताया नॉलेज ऑफ लीगल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, मतलब ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की जिससे आपके ऊपर कोई नॉन कंप्लायंस है या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल नहीं हो पा रही है या वो रिस्क जो आपके एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर नहीं है, आपको वो सब की नॉलेज होनी चाहिए सो दैट यू कैन डू द नीडफुल और आप उसको मिटिगेट या एक्सेप्टेबल लेवल अंदर के अंदर लाने के लिए कोशिश कर पाएँ। तो इसकी भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो ये था हमारा टास्क नंबर 2 और उसके नॉलेज स्टेटमेंट। थर्ड टास्क आता है जिसमें हम लोग को इंश्योर करना रहता है कि रिस्क का असेसमेंट, वल्नरेबिलिटीज का असेसमेंट और थ्रेट एनालिसिस, ये सारी एक्टिविटी हमारी कंडक्ट हो रही है
और ये कंसिस्टेंटली हो रही है, मतलब ऐसे नहीं कि एक बार होगी तो होगी, ये मेरा एक ऑनगोइंग टास्क होना चाहिए। ये चाहे आप हफ्ते में एक बार करिए, मंथ में 2 बार करिए, साल में 2 बार करिए, या हर क्वार्टर करिए, कैसे करना है ये फ्रीक्वेंसी उस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपको इंश्योर करना रहता है कि रिस्क का असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और थ्रेट एनालिसिस एक्टिविटी होनी जरूरी है, होनी ही चाहिए। ठीक है, ये एक टास्क है जो एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर या CSM कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है। और इस टास्क को करने के लिए क्या क्या नॉलेज स्टेटमेंट होने चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए, इसमें एक पहला तो है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो रिलायबल हो, वो टाइमली हो, आपके जो सोर्सेज हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पिछले वाले टास्क में कवर किया हुआ 2.7। 2.8 में भी इवेंट दैट में रिक्वायर रिस्क असेसमेंट, मतलब यहाँ पे इवेंट्स, मतलब यहाँ पे इंटरनल इवेंट और एक्सटर्नल इवेंट की बात हो रही है कि जिसमें कोई भी इवेंट होने पे आपको ये देखना है कि इसमें क्या रिस्क रीअसेसमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने वो एग्जांपल भी दिया था जिसमें कोई सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो वापस से आपको नया सर्वर डेवलप करने में आपको रिस्क जो पहले हो चुका था उसको रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने ये भी बताया था कि आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ सकता है। तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। हम लोग देखते हैं नॉलेज स्टेटमेंट 2.9। जो 2.9 क्या कहता है कि यहाँ पे आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थ्रेट्स की, वर्नेबिलिटीज़ की, या क्या क्या उस वर्नेबिलिटीज़ की वजह से क्या क्या एक्सपोजर हो सकता है और वो कितना फ्रीक्वेंसी में हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है। सो यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए नॉलेज, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ थ्रेट, वर्नेबिलिटीज एंड एक्सपोजर विच इंक्लूड साइबर सिक्योरिटी एक्सपोजर्स एज वेल एंड देयर इन्वॉल्विंग इवॉल्विंग नेचर। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा नॉलेज स्टेटमेंट नंबर 2.9। और इसके बाद आता है नॉलेज स्टेटमेंट नंबर 2.10, जिसमें बताते हैं कि आपके पास रिस्क असेसमेंट और रिस्क एनालिसिस की मेथडोलॉजीज होनी चाहिए। ठीक है, देर आर सर्टेन मैथड जिसकी बेसिस पे आप रिस्क का असेसमेंट करते हैं। ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कंट्रोल बेस लाइन। यहाँ पे देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए आपको सर्वर है, आप उसको प्रोडक्शन लाइन में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उसको लाइव करना चाह रहे हैं, बट वहाँ पे लाने से पहले एक आप उसका असेसमेंट करते हैं। आप उस एक एक टर्म होता है MBSS, मिनिमम बेसलाइन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। आप चाहते हैं कि वो मिनिमम उस बेसलाइन पे कंप्लाई करे। आप चाहते हैं कि उसमें फायरवॉल हो, उसमें एंटीवायरसेस हो, उसके कोड्स जो पोर्ट्स रिकमेंडेड हैं वही ओपन हो, बाकी सारे पोर्ट्स ब्लॉक हो, कोई भी अनऑथराइज सॉफ्टवेयर उसमें ना हो, कुछ इनफैक्ट कुछ डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर भी जो आते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं वो भी उसमें डिलीटेड हो, वो अनइंस्टॉल्ड हो। ठीक है, इस तरह की कुछ आप MBSS पॉलिसी या MBSS कंट्रोल्स रहते हैं जो आप चाहते हैं कि उस सर्वर में हो बिफोर इज गोइंग टू लाइव। सो आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए, देर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए। सो इस नॉलेज स्टेटमेंट में आपके पास नॉलेज ऑफ कंट्रोल बेसलाइन एंड स्टैंडर्ड्स एंड द रिलेशनशिप द रिस्क असेसमेंट। अगर मान लीजिए कोई बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आ भी रहा है सर्वर के साथ, बट अगर वो वर्नेबल है तो उसकी वजह से आपके सर्वर पे क्या क्या रिस्क हो सकता है, तो आपको उसका भी असेसमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 2.16, जिसमें आपको गैप एनालिसिस टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। मीन्स एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास लेट्स से कोई सॉफ्टवेयर का वर्जन है 2.1, बट आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो है मान लीजिए 1.2, तो देर इज अ गैप ऑफ दिस वर्जन। ये तो एक छोटा एग्जांपल हुआ। दूसरा, जैसे आप कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो काफ़ी वर्नेबल है, बट नाउडेज बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे मान लीजिए लॉग मॉनिटरिंग सिस्टम है, आपके पास जो एप्लीकेशन या जो भी टेक्निक्स हैं वो काफ़ी ओल्ड हैं, या आपको उसमें काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने पड़ सकते हैं, या कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो आपने सालों से कभी टच भी नहीं किए। तो ऐसे कुछ गैप्स हैं जो आपको कॉन्टिन्यूस एनालाइज करना है, असेसमेंट करना है और उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, सो ये आपको बेसिकली गैप एनालिसिस के अंडर में आएगा, जहाँ पे आपको नॉलेज ऑफ गैप एनालिसिस डिफरेंट टेक्निक्स एज रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में जो जो गैप्स हैं, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन का हो, चाहे सॉफ्टवेयर का हो, चाहे सॉफ्टवेयर का हो, चाहे पैचिंग का हो, वो सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो इस टास्क को करने के लिए बेसिकली रिस्क असेसमेंट में आपको ये 6 नॉलेज स्टेटमेंट पता होने चाहिए। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट टास्क पे, टास्क नंबर है 2.4, जिसमें बेसिकली यहाँ पे रिस्क ट्रीटमेंट की बात हो रही है। तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड और इम्प्लीमेंट एप्रोप्रिएट रिस्क ट्रीटमेंट, मतलब किस रिस्क के हिसाब से उसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं आत्मा, ATMA। आत्मा मीन्स अवॉइड, टी मीन्स ट्रांसफर, एम मीन्स मिटिगेशन और ए मीन्स एक्सेप्ट। सो ये चार तरीके के रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जो हम लोग रिस्क के हिसाब से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपका एक टास्क है। सो टास्क इज आइडेंटिफाई रिकमेंड और इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट रिस्क ट्रीटमेंट और रिस्क रिस्पॉन्स टू मैनेज रिस्क टू एक्सेप्टेबल लेवल बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क एपेटाइट। ये जो मैंने सबसे पहला टास्क बताया था ये वही एक तरीके से घुमा के बता रहा है। यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है रिस्क ट्रीटमेंट के एंगल से। तो आपको रिस्क ट्रीटमेंट क्यों करना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर आ जाए उस ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क एपेटाइट में, जितना वो सहन कर सकता है जो उसका रिस्क लेवल है उसके अंदर में आ जाए। दैट्स व्हाई यू वांट टू डू सर्टेन ट्रीटमेंट और सर्टेन रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स क्या है वो हम लोग को पता होने चाहिए जो हम लोग अभी नॉलेज ट्रीटमेंट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये हमारा टास्क नंबर 2.4 है। अब इस टास्क को करने के लिए जो पहला पॉइंट था ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिस्क असेसमेंट और एंड एनालिसिस मेथडोलॉजी। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं 2.11, जिसमें कह रहा है कि आपको सबसे पहले मेथड्स पता होने चाहिए जिससे कि आप रिस्क को प्रायोरिटाइज करें। मतलब अगर आपके पास कोई दो सिनेरियो आ जाते हैं जहाँ पे जैसे एक आपका बता रहा है कि आपका एक हाई क्रिटिकल सर्वर डाउन हो गया है, दूसरा आपको बताता है कि भाई ठीक है आपका जो डेटा सेंटर है वहाँ पे अभी भी कोई अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, वो आपका जैसे बायोमेट्रिक फेल हो गया है। सो इन दोनों दोनों ही रिस्क हैं, ठीक है, बट इसमें आपके लिए हाई प्रायोरिटी क्या रहेगा। ऑब्वियस बात है जो आपका सर्वर डाउन हुआ है जिसमें आपका ट्रांजेक्शन्स हो रहा है हर मिनट हर सेकेंड, आप चाहेंगे कि उसको पहले हम अप करें, ठीक है। सो यहाँ पे आप प्रायोरिटाइज करेंगे, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आप किस बेसिस पे किसको प्रायोरिटाइज करेंगे। सो नॉलेज ऑफ मेथड्स यूज टू प्रायोरिटाइज रिस्क सिनेरियो एंड रिस्क ट्रीटमेंट और रिस्पॉन्स ऑप्शन, और उसके बेसिस पे आप रिस्क ट्रीटमेंट या रिस्क रिस्पॉन्स ऑप्शन चूज करेंगे। अब ये रिस्क ट्रीटमेंट और रिस्पॉन्स ऑप्शन होते क्या हैं, जो मैंने बताया ये चार होते हैं, अवॉइड, मिटिगेट, एक्सेप्ट और ट्रांसफर, जिसको हम लोग आत्मा भी कहते हैं। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, ए मीन्स अवॉइड, टी मीन्स ट्रांसफर, एम मीन्स मिटिगेट एंड ए मीन्स एक्सेप्ट, ठीक है। सो आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए, ना ही केवल पता होना चाहिए बल्कि इसको कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो आपको ये टास्क 2.4 करने के लिए आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बाद जो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आई थिंक इस बुक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस पे आते हैं वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपका कोई भी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस अपने आप में बहुत ही अच्छा हो सकता है। आपने एक सिक्योरिटी सॉल्यूशन दिया कंपनी को जिसमें आप कहते हैं कि भाई हमारे नेटवर्क में कोई भी आ रहा है वो ट्रैफिक मॉनिटर होना चाहिए, वो देखना चाहिए कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, कहीं वो ट्रैफिक ऐसे कंट्री से तो नहीं आ रहा है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। ऐसे करके आपने बहुत से बेनिफिट बताए, मैं सिम टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूँ, और आपने वो बताया बट उसकी कॉस्टिंग है 15 करोड़, बट आपका जो कंप्लीट एसेट है या आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो अपने आप ही मान लीजिए 1 करोड़ का आ रहा है। सो आप कहेंगे भाई मेरा रिस्क ट्रीटमेंट मेरे को ऐसा नहीं करना है जो मेरे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ही फेल हो जाए, मतलब जितना उसका कॉस्ट है और जितना उसका बेनिफिट है इसमें इतना डिफरेंस है कि मेरे को उसका ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो ये एक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जिसमें नॉलेज ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू असेस रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो आपको ऐसा रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शन देना है जिसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी आप कंसीडर करें, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा टास्क 2.4। नेक्स्ट टास्क आता है 2.5। इसमें बेसिकली देखिए क्या कहता है, इसमें बेसिकली कहता है कि ये देखना है कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं, ठीक है, अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहां पे ऐसा तो होने से कि कोई भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स ना, कुछ तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स होंगी। सो आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं क्या वो अप्रोप्रिएट हैं, क्या वो इफेक्टिवली हैं, सॉरी इफेक्टिव हैं क्या। इफेक्टिव का मतलब आप कैसे समझेंगे, मतलब जो भी रिस्क हैं क्या वो उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर हैं कि नहीं है। मतलब
अपने सिक्योरिटी कंट्रोल्स तो हैं, बट उसके बाद भी अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और गोल्स मीट नहीं हो रहा है या वो उसके एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर नहीं आ रहा है, तो उन कंट्रोल्स का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो आपको इस टास्क में ये देखना है कि यू हैव टू डिटरमाइन वेदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर एप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिवली मैनेज रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड गोल। ये आपको इस टास्क में बेसिकली करना है। अब इसको करने के लिए देखिए केवल तीन नॉलेज स्टेटमेंट है जो हम लोग को पढ़ना है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि रिस्क को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, रिस्क का ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स कैसे करना है, कंट्रोल बेसलाइन हम लोग ने MBSS पढ़ाई था, गैप एनालिसिस टेक्निक हम लोग ने पढ़े था जहाँ पे मैंने बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन में गैप हो सकता है और टूल्स में भी गैप हो सकता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अभी हम लोग ने पढ़ा था कि आपका सोल्यूशन बहुत ही अच्छा हो सकता है बट अगर वो हमारे बेनिफिट का नहीं है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट तो हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। अब हम लोग केवल इसमें तीन टास्क ऐसे हैं जो हम लोग को पढ़ना है। पहला है रिस्क रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का यहाँ पे देखिए क्या मतलब आता है। देखिए बेसिकली कोई भी रिपोर्टिंग आप करते हैं तो वहाँ पे आपको उस रिपोर्ट में कंटेंट क्या होना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर डेली रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि भाई आज की डेट में हमारे पास इतने अटैक्स हुए, इतने रिस्क हैं, तो और उस रिस्क का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और हाउ यू हैव मैनेज दैट रिस्क, अगर अभी भी वो रिस्क ओपन है कि नहीं है, ओपन है तो आप उसका इवेल्यूशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो कब तक आप उसका रिजल्ट बताएंगे, कब आप उसके RC देने वाले हैं, ऐसे करके बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जो आपको रिपोर्टिंग में बताना पड़ता है। और इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आपको उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रखनी चाहिए, आप उसको डेली रखना है, हर वीकेंड में रखना है या हर मंथ में एक बार रखना है, क्वार्टरली रखना है, आप कौन सी मीटिंग में उसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ठीक है, डेली, मंथली, वीकली, बाई एनुअली, हालांकि ये फ्रीक्वेंसी शुड बी वेरी शॉर्ट। ठीक है, जब कभी रिस्क की बात होती है इतना पुराना आप साल में एक बार करेंगे तो कोई मतलब भी नहीं है उसका। ठीक है, और इसके ऑडियंस कौन होने चाहिए, ऑडियंस ज़्यादातर इस रिकमेंडेड कि आपके सीनियर मैनेजमेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रिस्क कभी भी एक्सप्लॉइट हुआ तो सीनियर मैनेजमेंट पे ही सबसे ज़्यादा गाज गिरती है। ठीक है, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सो सीनियर मैनेजमेंट को आप कभी भी कोई भी रिपोर्टिंग करिए तो उसमें उन लोग को ज़रूर रखना चाहिए। सो इस टास्क को पूरा करने में आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए, विच इज़ नॉलेज ऑफ रिस्क रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, और ये आपकी फ्रिक्वेंसी, ऑडियंस एंड कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.12। नेक्स्ट आता है 2.15, जिसमें बेसिकली आपको सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि आप एनालाइज करें कि वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हैं, मतलब सिक्योरिटी कंट्रोल की इफेक्टिवनेस भी आपको एनालाइज करने की नॉलेज होनी चाहिए। सिक्योरिटी कंट्रोल्स नॉर्मली बहुत सारे होते हैं बट अगर आपने कॉन्फिगर ठीक से नहीं किया है तो वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट देते ही नहीं हैं, चाहे आप फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन की बात करिए, चाहे आप अपना इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की बात करिए, चाहे आप कोई भी आप सॉफ्टवेयर बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर लगा लीजिए, लेकिन आपने अच्छे से कॉन्फ़िगर या मैनेज नहीं किया है या आप प्रॉपरली रिव्यू नहीं कर रहे हैं जो भी वो रिपोर्ट्स दे रहा है, तो वो आपका इफेक्टिव उतना नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी हैव नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल एंड द मेथड्स टू एनालाइज देयर इफेक्टिवनेस। ये हो जाता है हमारा नॉलेज स्टेटमेंट 2.15। और लास्ट स्टेटमेंट इसमें आता है 2.17, जो हम लोग को पढ़ना है वो है नॉलेज ऑफ टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट इनटू बिजनेस एंड IT प्रोसेस। मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के को इंटीग्रेट करना है IT और बिजनेस के साथ। आई मस्ट से कि ये सबसे ज़्यादा टफ काम में से एक माना जाता है, बिकॉज आपने मान लीजिए बिजनेस से बोला कि भाई ठीक है आप लोग के यहाँ जितने भी कस्टमर्स आते हैं उन सबको जब भी आप बिल प्रोसेसिंग करेंगे तो आपको एक बार जो भी ऑपरेटर रहेगा वो अपना थंबप्रिंट लगाना पड़ेगा, बायोमेट्रिक देना पड़ेगा, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि ये जो ट्रांजेक्शन था इसका रिस्पॉन्सिबल कौन था। और इस काम को करने में मान लीजिए 2 से 3 मिनट हो जाते हैं, तो जो कस्टमर है वो काउंटर पे खड़ा है और आप थंबप्रिंट कर रहे हैं, आप अपना अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस सिस्टम्स के अगेंस्ट में, जिससे कि आपका कस्टमर भी अनसेटिस्फाइड रहेगा, वो भी अननेसेसरी बोलेगा यार कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है।
और अगर हर कस्टमर के लिए आपको एक बार अपने को ऑथेंटिकेट करना पड़े तो ये बहुत बड़ा टीडियस टास्क है। बट सिक्योरिटी का बंदा बोलेगा नहीं भाई ये तो जरूरी है, वरना हमें नहीं पता चलेगा ट्रांजेक्शन किसने किया। सो ये हमेशा चैलेंज रहता है कि आपका जो भी रिकमेंडेशन है वो बिजनेस के गले उतरे। सिमिलरली आईटी प्रोसेस में भी वो कहेंगे कि भाई अभी तक तो हमारा कोई ऐसा काम था नहीं जो रुक रहा हो, ये तुम नया टेक्नोलॉजी ला करके हमारा टास्क बढ़ा ही रहे हो, हमें इस पर क्या फ़ायदा होगा। बट सिक्योरिटी वाला अपना पॉइंट रखेगा कि भाई ये आपका एडिशनल सिक्योरिटी है। सो देर इज़ ए वेरी टफ टास्क टू इम्प्लीमेंट दिस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थिंग्स विद आईटी एंड बिजनेस। सो आपके पास ये टेक्निक, ये नॉलेज होनी चाहिए, वेयर नॉलेज ऑफ टेक्निक फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट इन टू बिजनेस एंड आईटी प्रोसेस। ठीक है, सो ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। इनफैक्ट ये नॉलेज क्या है, ये एक स्किल होती है जो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ये हो जाता है आपका टास्क नंबर 2.5। अगला टास्क आता है टास्क 2.6 विच इज अ फैसिलिटेटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट इन टू बिजनेस एंड आई टी प्रोसेस। अब जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ये बिजनेस और आई टी प्रोसेस में इंटीग्रेशन ये एक काफ़ी टफ टास्क होता है। इसके लिए आपको सिस्टम डेवलपमेंट करना पड़ता है, आपको सामान खरीदना पड़ता है, आपको प्रोक्यूरमेंट करना पड़ता है, आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, आपको हार्डवेयर खरीदना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टीम को इंक्लूड करना पड़ता है, बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग रिक्वायर्ड डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लगेगा, चेंज मैनेजमेंट लगेगा, प्रोक्यूरमेंट लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपको आईटी और बिजनेस की रिक्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक टफ टास्क रहता है, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, बट एक बार ये हो जाता है तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, सो ये टास्क को करने के लिए आपके पास केवल दो नॉलेज स्टेटमेंट होनी चाहिए। पहला हम लोग ने जस्ट पढ़ाया कि आपको इंटीग्रेशन की टेक्निक्स पता होने चाहिए, इंटीग्रेशन का स्किल होना चाहिए बिटवीन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इनटू बिजनेस एंड आईटी प्रोसेस। और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसमें आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कंप्लायंस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स की। मतलब आपने कहा कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि टू बीइंग एंड कंप्लायंस मेरे सारे सर्वर पे बेसलाइन असेसमेंट होना चाहिए, दैट शुड बी 100% बेसलाइन कंप्लायंस। ये क्या होता है, मतलब आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा सर्वर ना हो जिस पे पैचिंग ना हुई हो। पैचिंग मतलब उस पे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमेशा अपडेटेड होने चाहिए। आप ये भी चाहते हैं कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी हमारा हर क्वार्टर 100% होना चाहिए। कहीं कहीं पे क्वार्टरली होता है, कहीं कहीं पे दो मंथ में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं BAVA। ठीक है, ये BAVA एनालिसिस ये हमारी हर दो महीने में या हर महीने होने चाहिए और ये 100% कंप्लाइज होनी चाहिए। तो ये आपकी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, इंटरनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट भी बहुत सारी होती हैं, जैसे PCI DSS होती है, वो ये कहेगी कोई भी डेटा आप अगर स्टोर, पहली चीज़ तो जो भी स्टोर करेंगे वो एज़ पर द PCI स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी करेंगे। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड का जो भी डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग करना रहता है। इसके अलावा डेटा ट्रांसफ़र भी कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें PCI DSS में कवर होती हैं, इनक्रिप्शन टेक्निक्स एंड ऑल। सो आपके पास ये कंप्लायंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज ऑफ कंप्लायंस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस, उसको कैसे प्रोसेस करना है ये, और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ये दोनों ही आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी देन यू आर सक्सेसफुली एबल टू इंटीग्रेट बिजनेस एंड आईटी प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है और नेक्स्ट टास्क है जो कि 2.7 है, वो बेसिकली कहता है कि आपको मॉनिटर करना है, एक नज़र रखे रहनी है, या आपको असेसमेंट करते रहना है पीरियोडिकली ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। मतलब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इवेंट हैं जिसकी वजह से आपको रिस्क का रीअसेसमेंट करना पड़ सकता है और इंश्योर करना पड़ चाहिए कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, इफेक्टिव हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे मॉनिटर करना है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। एग्जाम्पल, थ्रेट लैंडस्केप, साइबर सिक्योरिटी, जियो पोलिटिकल और रेगुलेटरी चेंजेस। ठीक है, ये हमारे कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसपे आपको एक नज़र रखे रहनी होती है और असेसमेंट करते रहना चाहिए पीरियोडिकली। सो टास्क इज मॉनिटर फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट मे रिक्वायर रीअसेसमेंट ऑफ रिस्क टू इंश्योर दैट चेंजेस टू एग्जिस्टिंग और न्यू रिस्क सिनेरियो आर आइडेंटिफाइड एंड मैनेज अप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो जब आप एक बार मॉनिटर करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कोई कुछ ऐसा नया सिनेरियो तो डेवलप नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा नया इवेंट तो नहीं हो रहा है जो आपको मॉनिटर करना चाहिए और मे बी उसकी वजह से आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम तक भी चेंजेस करना पड़ सके।
और इस काम को करने के लिए जो नॉलेज स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए या जो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए वो ऑलरेडी हम लोग अपने पिछले सारे जो टास्क थे उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट ऑफ इवेंट आपको पता होने चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंफॉर्मेशन एसेट पे, क्या क्या रिस्क फैक्टर होने चाहिए। अगर हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं तो उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा था लीगल, रेगुलेटरी या ऑर्गेनाइजेशनल, या ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है चाहे वो कंप्लायंस की हो, वो सारी चीज़ें आपको पता होने चाहिए। कितना रिलायबल और कितना टाइमली डेटा आपके पास आ रहा है, कितना कौन से इवेंट हैं जिसकी वजह से आपको रीअसेसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, कौन कौन से थ्रेट हैं जिसकी वजह से आपकी कोई वल्नरेबिलिटीज़ है वो एक्सप्लॉइट हो सकती है, डिफरेंट रिस्क असेसमेंट मेथडोलॉजीज, वो रिस्क को प्रायोरिटाइज करना, रिस्क को रिस्पॉन्स या ट्रीट करना, ठीक है। ये सारी ट्रिक्स हम लोग, सारे नॉलेज स्टेटमेंट हम लोग अपने जो पिछले टास्क थे उसमें हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है 2.8। नेक्स्ट टॉपिक में बेसिकली इसमें नॉन कंप्लायंस की रिपोर्टिंग के बारे में बताया है। तो रिपोर्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड अदर चेंजेस इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टू फैसिलिटेट द रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो आपको हमेशा रिपोर्ट करते रहना चाहिए कि कहीं पे भी अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है फॉर वॉट एवर द रीज़न, चाहे वो रेगुलेटरी का हो, लीगल हो, या आपके इंटरनल किसी भी कंडीशन या किसी भी वजह से अगर आपका कोई भी एसेट नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए। और इसकी वजह से हो सकता है कि जो भी आप लोग ने डिसीजंस लिए हों किसी रिस्क को लेकर के कि उसको कैसे मिटिगेट करना है, कैसे मैनेज करना है, वो तक चेंज करने पड़ जाएं, ठीक है। सो रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लायंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने यहाँ पे था इस टास्क को करने के लिए आपको 5 नॉलेज स्टेटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। 5 नॉलेज स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए जिसमें मैंने पहले बताया लीगल, रेगुलेटरी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी रिलायबल है, कितना टाइमली आ रहा है, और किस इवेंट की वजह से आपको वापस रीअसेसमेंट करना चाहिए, रिस्क की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, कंटेंट एंड कौन कौन से इसके ऑडियंस होने चाहिए वो पॉइंट आ जाता है, एंड कंप्लायंस ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। ये हमारे जो हम लोगों ने अभी पहले टॉपिक्स पहले टास्क में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो 2.18 भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमारा आखिरी टास्क आता है रिपोर्ट टू सीनियर मैनेजमेंट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें आपको इंश्योर करना रहता है कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क है वो उसकी पूरी रिपोर्ट सीनियर मैनेजमेंट को टाइमली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे डिटेल्ड में पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज सीनियर मैनेजमेंट को सपोर्ट करना रहता है आपको कि भाई जो भी हमारे रिस्क मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं वो एप्रोप्रिएट हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आप जब तक उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, आपको जो भी आप डिमांड उनके सामने रखेंगे किसी नए सॉल्यूशंस के बारे में या किसी रिस्क के बारे में या आप कुछ प्रपोजल लेके जाएंगे तो उनको आपको सपोर्ट करने में आसानी रहेगी, क्योंकि आप उनको कंटिन्यूअसली बता रहे हैं कि भाई अगर ये रिस्क ट्रीट नहीं हुआ तो देखो भाई कितना नुकसान हो सकता है। सो दैट्स व्हाई इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क इज रिपोर्टेड टू सीनियर मैनेजमेंट टू सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो आप उनको कॉन्टिन्यूसली बता रहे हैं कि भाई ये जो रिस्क है ये अगर तुमने ट्रीट नहीं किया या इस रिस्क के लिए जितना मैं बता रहा हूँ अगर वो सोल्यूशंस नहीं लिए सो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो किस लेवल तक डेविएट हो सकते हैं या किस लेवल तक मीट नहीं हो सकते हैं। सो दैट्स वाई यू हैव टू इन्फॉर्म सिक्योर्ड सीनियर मैनेजमेंट ऑन पीरियोडिक बेसिस। और पीरियोडिक मतलब ऐसा नहीं कि महीने में एक बार, अगर लगे तो आप हर दिन बताइए, हफ्ते में दो बार बताइए, वीकली मीटिंग रखिए, बट उनको बताते रहिए और इंश्योर करिए कि उनको पता हो। ऐसा नहीं कि आपने मेल भेज दिया आपका काम खत्म, नहीं, उनको बताते रहिए, उनसे मिलते रहिए, उनको अपडेट देते रहिए, ठीक है। और इसके लिए आपके पास 2 नॉलेज स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि है रिस्क रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें आपका फ्रीक्वेंसी, ऑडियंस और कंटेंट इंपॉर्टेंट है, और कंप्लायंस रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो कि हमारा 2.18 नॉलेज स्टेटमेंट था, जिसमें आपको नॉलेज ऑफ कंप्लायंस रिपोर्टिंग और रिक्वायरमेंट
एंड प्रोसेस के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ टास्क थे और ये उसके करस्पॉन्डिंग नॉलेज स्टेटमेंट थे, उनकी मैपिंग थी जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे टास्क और सारे नॉलेज स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ लिए। नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे डिटेल में, जब चैप्टर को एक्चुअल में आप शुरू करने जाएंगे, तब और डिटेल में पढ़ते हैं रिस्क के बारे में, उसके एक्सपोजर और जितनी टेक्निक्स हम लोगों ने यहाँ पे हाई लेवल के में पढ़ी है मेथोडोलॉजीज, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।